आगे आगे बढ़ते हैं बच्चा। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, पढ़ रहे नहीं थे हम लोग, आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन हमने आपको पहले बताया था कि बैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहता है कि रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन पढ़ते हैं, किसके वजह से, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब अगर कोई अभिक्रिया होगा, अगर कोई अभिक्रिया होगा तो उससे अभिक्रिया के कारण अगर हमको करंट मिले, वैसी बातों को जहां पढ़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन, स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और अगर किसी में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें उसमें, तो अगर उसमें रिएक्शन होने लगे वो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब कहने का हुआ, जो इनको हिंदी लिखना लिख लीजिए, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा का उत्पादन एवं विद्युत धारा का उत्पादन एवं रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा का उत्पादन एवं विद्युत धारा के कारण स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन, के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वैद्युत रसायन कहते हैं।
ध्यान से देखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया किसके बीच में होगा बच्चा, दो सबस्टांस के बीच में, अगर दो सबस्टांस के बीच में अभिक्रिया हो रहा है और उसके कारण हमें विद्युत मिल रही है, करंट मिल रहा है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एवं देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो जाए, वैसी अभिक्रिया जिसको मिलाने पर वह स्वतः हो जाए, वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर कोई स्वतः वाला रिएक्शन है, स्वतः वाला रिएक्शन है, यदि वो रिएक्शन स्वतः हो रहा है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो जहां उसको हम पढ़ेंगे उसी सब्जेक्ट को हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं टॉपिक को। या अगर किसी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, अगर किसी में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें, अगर किसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें और ओकरा में अभिक्रिया होने लगे, अरे आया नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो वो अभिक्रिया होने लगे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, क्योंकि ये खुद से अभिक्रिया नहीं होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तब उसमें अभिक्रिया होगा, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन कहते हैं, स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन। हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। वैसे को हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। और एक बात, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और जब जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा में कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा होती है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें बच्चा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। कहने का मतलब है, इसका एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं आप, जो आपने लिखा होगा, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, इन विच केमिकल, इन विच बी स्टडी, इन विच बी स्टडी अबाउट, बी स्टडी अबाउट चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यस योर नो। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कहाँ होती है, जहाँ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, वैसे ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगा बच्चा विद्युत ऊर्जा में, यह है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगा विद्युत ऊर्जा में। देखो क्योंकि तीर इधर की ओर लगा हुआ है, मतलब उधर से इधर आ रहे हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इसमें तीर लगा हुआ है इधर से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर लगा हुआ। इसका मतलब है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, अरे हाँ या नहीं, बस पूरे केमिस्ट्री में इसी दो के बारे में पढ़ना, और इसमें अगर कोई विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है तो ये जहां होता है उस सेल का नाम है बच्चा, ये बैटरी में होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट या कहिए जिसमें, जिस यंत्र में ये वाला काम होता है, जो यंत्र में काम होता है उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
सेल इलेक्ट्रोकेमिकल्स और जकरा में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वैसे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे कहते हैं बच्चा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक के विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। आप लोग बैटरी देखे ही होंगे, जो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है बैटरी से, वो अभिक्रिया के कारण मिलती है। अगर उसमें अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया के कारण आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और यही दोनों के बारे में हमें पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना है, पूरे विद्युत रसायन में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस यही दोनों के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं बच्चा, पहला विद्युत रासायनिक सेल शुरुआत करें। ध्यान दो बच्चा, विद्युत रासायनिक सेल लिखा दिए थे पिछली बार, लिखा हुआ है ना, हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे। आगे बढ़िए बच्चा, ध्यान दो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, विद्युत रासायनिक सेल, सेल विद्युत रासायनिक सेल परिभाषा लिख लीजिए। लिखे दैट सेल इन विच, दैट सेल इन विच, आप सिंपल सा बोल सकते हैं। अगर कोई परिभाषा अगर विद्युत रासायनिक सेल का आएगा तो कहिएगा कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा के कारण विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो दैट सेल इन विच, इन विच इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ड्यू टू केमिकल, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब विद्युत रासायनिक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी से लिखे, हिंदी लिखे, लेकिन वैसा सेल, वैसा सेल जिसमें, जिसमें रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसे, उसे, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं।
अब आ जा जरा ध्यान से देखो एक में की होगा ने यह जो विद्युत रासायनिक सेल तो जितना भी आप बैटरी देखते हैं छोटा बैटरी हो बड़ा बैटरी हो सब के सब है ये हम लोग मतलब सिंपल सा आएगा ध्यान देना मेरे पास बैटरी था के ले लिया बैटरी मेरा मेरा बैटरी लिया कौन आप लोग लिए क्या जी तो ये ध्यान से सुना जा विद्युत रासायनिक सेल मैं सेल किसे कहता हूँ मैं बताऊंगा बाद में भी थोड़ा सा सुनिए विद्युत रासायनिक सेल उसको कहेंगे जेकरा में रिएक्शन के कारण क्या मिले करंट मिले रिएक्शन अंदर में होए और बाहर में करंट मिले ऐसा काम जेकरा में होता बैटरी में ये काम कहाँ होता है बैटरी में होता है या नहीं बैटरी कोई भी लो छोटा वाला निको से लेकर के बड़ा 12 वोल्ट वाला लो या 24 वोल्ट वाला वो बैटरी लो या नहीं सभी में यही काम होता अंदर में जो बैटरी बड़ा वाला 12 वोल्ट वाला लो 24 वोल्ट वाला लो चाहे छोटा वाला बैटरी लो सभी में यही काम होता है अंदर में रिएक्शन होता है तो ऊपर में करंट मिलता है तो अंदर में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े कि अंदर में क्या क्या होता है एक मतलब है कि सर जी ये सीधा सीधी एक बैटरी के बारे में पढ़ना आया नहीं इसके किसके बारे में पढ़ना बैटरी सिंपल सा वो बैटरी है जी जो बैटरी हम लोग देखते हैं घरों में रोज दिन देखते हो ना बस उसी के बारे में पढ़ना है उसी के बारे में पढ़ना कि कैसे ओकरा से करंट निकलता अंदर में रिएक्शन क्या होता बस बैटरी के बारे में और इसी का एक और नाम है बता अगला दिन से अगला वीडियो लेकर ये चीज ऑल्सो पर एक ऑल्सो पर एक एज ऑल्सो पर गैल्वेनिक सेल क्या कहते हैं इसको गैल्वेनिक सेल It is also called galvanic cell or voltaic cell or voltaic cell. इसे एक और नाम है बच्चा voltaic cell कहते हैं या galvanic cell कहते हैं इसी को इसको electrochemical cell का ये दूसरा नाम है बच्चा galvanic cell. तो अब ज्यादातर हम नाम इस्तेमाल में लेंगे बच्चा galvanic. मैं बार बार आपको इलेक्ट्रो केमिकल सेल नहीं बोलूंगा अब मैं दूसरा नाम लूंगा क्या नाम लूंगा बच्चा गैल्वेनिक सेल अरे आया नहीं तो लिख लो इसे हिंदी में इसे गैल्वेनिक सेल या इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी अगला भी अगला लिखिए इन दिस सेल लिख रहा हाँ जी इन दिस सेल केमिकल इनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बात भी हम लोग जानते हैं क्योंकि जब रिएक्शन होगा रिएक्शन के कारण सुनते जाना ध्यान से देखना हम तेजी में भागेंगे नहीं तो केमिकल इनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी ऊर्जा संचित होगा रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया के कारण अंदर में रिएक्शन होने के कारण बाहर में करंट मिल रहा है मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रहा है बच्चा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है
मतलब यह भी कह सकते हैं कि इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हिंदी लिख लो, इस सेल में बोलो जी क्या, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती। आइए बच्चा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, बनावे बैटरी देखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं बैटरी जी, बनावे आज लिखा बच्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल नहीं बोलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल का बनावट कैसे बना होता है, आइए मैं बनाता हूं क्या क्या होता है गैल्वेनिक सेल का। पहले हेडिंग दे करके एक लाइन लिख लो, उसके बाद चुपचाप हो जाना है 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए। पहले एक लाइन लिखिए, गैल्वेनिक सेल इज गैल्वेनिक सेल is the combination of two half cell, ध्यान से देखते जाना, ये सब बताएंगे, गैल्वेनिक सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल इन विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट एंड नया सब शब्द आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं सबके बारे में बताऊंगा। इन विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट एंड साल्ट ब्रिज आर प्रेजेंट। हिंदी लिख लो, हिंदी लिख लीजिए, गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों का गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों का संयोजन होता है जिसमें विद्युत अपघट है एवं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज का हिंदी होता है बच्चा लवण सेतु, जिसमें लवण सेतु उपस्थित होता है, नहीं बोले ना, जिसमें लवण सेतु उपस्थित होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट है एवं लवण सेतु उपस्थित होता है।
आइए बना करके बता दें, बना के बता दें, बना लें आधा देर में। अब 10 मिनट 15 मिनट आराम से देखते हैं, ध्यान से देखिए, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप देखिएगा, इधर देखिएगा जी, अरे आवाज आ रहा है, देखो बनाते हैं। सुबह सुबह नींद में है ना? क्या करता? दो तीन लोग नींद में है, हम देख लिया, उसको पता चल गया कि तकरा रहे हैं सर बोल कर, हैं नींद में है, हैं आइए बोल बनाते हैं बच्चा। देखो इधर ध्यान से सुनना, बहुत मस्त है, बहुत मजेदार है ये खत्म, इसी के लिए ना बनावे ला चैप्टर आधा खत्म। देखिए बच्चा, गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, हमने ऊपर हेडिंग दे दिया, गैल्वेनिक सेल में कहता दो अर्ध सेल होता है, कह वो सर जो आधा सेल क्या होता है, मैं बताऊंगा आधा सेल किसको कहते। गैल्वेनिक सेल में बच्चा दो कंपार्टमेंट होता है, दो बर्तन होता है, दो बर्तन होता है, ठीक है, दो बर्तन होता है, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब देखना यही है मेन, अगर बनाने के लिए सीख गया तो बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपके लिए। ये होता है बच्चा दो गो बर्तन, कई गो, दो गो बर्तन, यस योर समझ रहा है, एकरा में दो गो इलेक्ट्रोड डूबा रहता है बच्चा, दो गो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एकरा में दो गो बर्तन ले लेते हैं और एकरा में दो गो लंबा लंबा इलेक्ट्रोड का मतलब होता है रॉड, छड़, क्या होता है छड़, मेरे पास होगा जी, मेरे पास इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है मैं बताऊंगा आपको, ऐसा दो गो इलेक्ट्रोड होता है बच्चा, ध्यान से सुनना, एक ग्राम में डुबाया रहता है, तो एक ग्राम में और एक ग्राम, एक इसमें और एक इसमें, दो गो इलेक्ट्रोड डुबाया रहता है और एक ग्राम में, ध्यान से सुनना, एक ग्राम में ई वाला जिंक के रॉड रहता है, जिंक माने जस्ता, और ये वाला जो रड रहता है बच्चा वो कॉपर का रड रहता है, किसका रड रहता है, कॉपर का रड, और इसमें इसमें इसी का जिंक का ही लवण डाला जाता है, जिंक का लवण। अब कौन समझी जिंक के लवण का मतलब क्या होता है, जिंक के लवण बताए थे, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, तो वैसे ही जिंक का आप बेस क्षार ले लीजिए और कोई एसिड लेकर के मिला दो तो जो बनेगा वही जिंक का, क्या जैसे मान लो जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है कि नहीं, और इसको अभिक्रिया करवा दो बच्चा किस से, H2SO4 से, तो ये हो जाएगा क्षार और ये हो जाएगा अम्ल, यस योर नो, तो जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो मैंने बताया था कि पानी बनता है और पानी बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, जिस सल्फर बोलो हाँ या नहीं, तो यही तो कहलाएगा लवण, यही तो कहलाएगा सॉल्ट, तो इसी का अपना सॉल्ट इसमें डाला रहता है, सॉल्ट सॉल्ट इसमें अपना सॉल्ट मतलब जिंक सल्फेट रहता है इसमें, क्या रहता है जिंक सल्फेट, अरे बोलो हाँ या नहीं, लेकिन साथे साथे ध्यान से सुनना, जिंक सल्फेट के साथे साथे ओकरा में पनिया मिलल रहता है बच्चा, पानी मिलल रहता है, मतलब इसे कह सकते एक्वस जिंक सल्फेट, क्या नाम देंगे एक्वस, जैसे ही एक्वस का नाम लिया एक मतलब हो जाता है ये जल, ये है एकरा में जल मिलल है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक सल्फेट जो होता है बच्चा वो ठोस होता है, शायद मेरे पास होगा जिंक सल्फेट,
मेरे पास होगा जिंक सल्फेट, मेरे पास जिंक सल्फेट होगा ये, क्योंकि मैंने लिया था जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, हाँ ये वो मिल गया, कॉपर सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट या जिंक सल्फेट, ये वो मिल गया मेरे पास। और जार बहुत सारा है, अगर हमें जिंक सल्फेट है, देख लो ये जिंक सल्फेट है, ध्यान से देखना, ये देखो ये क्रिस्टल है, नहीं कि तो दिख रहा है, ये क्रिस्टल है, नहीं दिख रहा है, तो अगर हमें पानी मिला दो तब ना घोल बनेगा जी। अरे आई जी आई जी, देखो मेरे दिखता है, केचर केकरा नहीं दिखा जी, बना के वहां ये देखो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, नीचे उतार कर दिख रहा है ये जी, अब देखना कोई जैसा कोई मान लो ना, कुछ होता है देखना, तो देखना जरूरी है, ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, एक ग्राम में पानी मिला देना है, क्या मिला देना है बच्चा, तो एक कोश बन जाएगा, अगर आप पानी में डाल दो बन गए इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या नहीं, कहो तो हम बना दो, कहते हैं ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक के रड हमराई है, ये कॉपर के रड हमराई है, ये बना देवे बाद में ना, अभी पढ़ लेगा तब। तो यहाँ जिंक सल्फेट होता है, इसमें जिंक सल्फेट होता है, ध्यान से सुनना, और एकरा में बच्चा कॉपर सल्फेट होता है, एकरा में अपन इसी का लवण ये है कॉपर सल्फेट, अरे है कि नहीं, ये कॉपर सल्फेट है, निकाल के दिखाएंगे, टेंशन ना लेना, ये कॉपर सल्फेट है, ये खत्म हो जाएगा, ये है अपना एबी कॉपर सल्फेट, एक्वस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब पानी वानी मिले होना चाहिए, तभी ना बनेगा जी। अरे बोलना यार, कनक, हाँ इन दोनों का नाम है, इन दोनों को ही देखो ध्यान से, ये हो गया बच्चा एक्वस जिंक सल्फेट, मुझे लगा आपको नहीं दिखाई दिया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्वस जिंक, तो इसी को बोलते हैं एक्वस जिंक सल्फेट और एक्वस कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो, अभी लिखा है तो ना इलेक्ट्रोलाइट, तो जो बिलियन रहेगा उस बिलियन का ही नाम है इलेक्ट्रोलाइट, यस योर नो। और ये वाला जो छड़वा है बच्चा, ये जो छड़वा दोनों है, इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोड, यही क्या नाम है, तो यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पर हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड, बोलो यस योर नो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यस योर नो। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोड इसको बोलता है, एकरा में बस इतना ही है, इतना ही और कुछ नहीं, और एकरा में एगो साल्ट ब्रिज लगा रहता, साल्ट ब्रिज मतलब ब्रिज मैंने समझिए रहे हो, सेतु, इन दोनों को जोड़े वाला एगो सेतु रहता है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक सेतु रहता है, हाँ इसी का नाम है, ये ऐसे ही कांच का बना होता है बच्चा, कैसा कांच का बना होता है, यू शेप, ये कांच का बना होता है, किस चीज का बना होता है, ग्लास का, और इसे नाम क्या है बच्चा, लवण सेतु, क्या नाम है, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज इसे कहते हैं, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, और इसमें ज्यादातर जो भरा रहता है, और हमें कुछ पदार्थ भरा रहता है बच्चा, हाँ जी,
इसमें केसीएल भरा रहता है बच्चा, हाँ पोटेशियम क्लोराइड, क्या रहता भरा हुआ? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड नहीं चिपचिपा रहता है, है ना, चिपचिपा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर लिक्विड रहेगा तो गिरने जाएगा चीज, इसे कहते हैं चिपचिपा बना करके, जिसे कहते हैं अगर अगर, क्या कहते हैं अगर अगर, अगर चिपचिपा बना देता है केसीएल के साथ डालते तो उन्हें सट जाता है तो नहीं नीचे गिरता है, या नहीं? अगर मान लो लिक्विड में रहेगा तो नीचे केसीएल गिर जाएगा, बोलो ना जाए। अब राजा अब रिएक्शन कर, अब ध्यान से सुनो, अब रिएक्शन पर जाए, अब रिएक्शन पर जाओ, इतना ही है बस, इतना ही है और कुछ नहीं है, इतना ही है बच्चा और कुछ नहीं है। अब एकरा की करो, एकरा में तार जोड़, अब हमारा तार जोड़ा, हमारा लाइन लेना ठीक है, और यहाँ एगो बल्ब लगा दो, क्या लगा दो? बल्ब, क्या लगा दो? अरे क्या लगा दो? बल्ब लगा रहे हैं, और एकरा में लगा दो फिलामेंट, फिलामेंट एकदम सही है कि नहीं? एकदम, इसको जोड़ दो इसके साथ, और जैसे इधर स्विच लगा दो, अरे स्विच पर नहीं लगाएगा, स्विच लगा दीजिए यहाँ पर, जब मन हुआ दबा दो, है ना, ये बन गया हमारा गैल्वेनिक शील्ड। अभी तो बना खाली, तो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, कर काम धाम देखो होता क्या, हाँ जी चार्ज है, हाँ चार्ज है, चार्ज है, ध्यान से देखा, बाद में बताएंगे चार्ज एंड डिस्चार्ज, अभी सुनना ना बढ़िया से। इसमें बच्चा, इसमें जैसे ध्यान से सुनो, अब रिएक्शन पर आ रहा, रिडक्स रिएक्शन चल रहा, अगर मैं इसमें 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 जिंक में, इसमें जिंक में, मैं सॉरी जिंक को जब मैंने जिंक सल्फेट में डाला, इसमें जिंक सल्फेट में, तो जैसे ही एकरा में जिंक वाला रडवा डालेंगे तो एकर अंदर अभिक्रिया होने लगेगा, अभिक्रिया के कारण तो करंट मिलेगा, अरे हाँ या नहीं? तो सर जी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो याद रखना बच्चा, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का क्या होगा? जिंक का क्या होगा? क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैं बताऊंगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बस अभी के लिए बस याद रखिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? मतलब ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? कल ने बताइए ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? यदि ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो, ऑक्सीकरण संख्या में, अभी यह जो जिंक था बच्चा, अभी जो यह जिंक है, ध्यान से सुनना, यह जो जिंक है वो कौन अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है, ध्यान से सुनो, इधर कौन अवस्था में है? ठोस में है, अरे ये रगड़ा ठोस लेने वाला है यार, रगड़ा डालोगे तो रड क्या रहेगा? ठोस ही तो रहेगा, और जैसे ही एक में डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज का मतलब अभी जिंक कितना में है बच्चा? जीरो, अरे अकेले है तो जीरो, और जैसे ही एकरा जिंक सल्फेट में डालिएगा तो ये जिंक 2+ बना देगा, क्या बना देगा? और इसे बोल देंगे एक्वस, क्या बोल देंगे? मजेदार बात सुनना, सुनना जरूरी, एकरा में बच्चा, एकरा में जिंक से, एकर मतलब ये रगड़ा को जैसे ही जिंक सल्फेट में डाले तो एकरा से जो जिंक था वो टूट का, एक्वस का मतलब होता है ये जल में मिल गया, जल में, यस विलायक जल है,
ये जो जिंक है वो टूट करके कहाँ चला आया, बिलियन में, इलेक्ट्रोलाइट में, नाम को भी दे दिया, बिलियन नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, घटे क्या बोलेंगे, तो इसमें जिंक चला आया और एक इसमें बदल दिया जिंक टू प्लस में, बोलो यस योर नो, बोलो हाँ जी, नींद में नहीं, बहुत अच्छा, तो जिंक जीरो से कहा चल गया टू प्लस में, बोलो कैसे गया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, त्याग किया होगा, तब ने दो माइनस निकला तो मतलब दो प्लस आया, हाँ या नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कौन त्याग किया, बोलना यार, अरे बोल यार, एक मतलब है कि जैसे ही जिंक नीचे जाएगा तो एक में इलेक्ट्रॉन भी टूट के नीचे आएगा, बोल हाँ, नहीं बोलता, इतना लोल है कि हाँ भी नहीं कहता है, अरे बोलो जी, जिंक तो समझ गया ना, ये कम कर ले बताइए, ये आसान है कि नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, उतना भूल जाएगा क्या, उतना ज्यादा भी नहीं रिएक्शन करता कि गल जाए, इतना ज्यादा भी नहीं होता, बता रही है मैं, अभी समझो ना बस, अभी समझ, मतलब थोड़ा बहुत जिंक वाला कहाँ चला आएगा, नीचे, बोलो जी, कोई दिक्कत है, अब बताओ, अब तुम ही बताओ, अच्छा तू इलेक्ट्रॉन समझा, ये सर तुमने कहा तू इलेक्ट्रॉन लिखे, आप इधर कहीं नहीं लिखे, एकरा से निकल रहा तो निकल के नहीं गया, अगर ये वाला लेता है प्लस देंगे तो ये ग्रहण कर रहा है, बोलो ना जी, अब यही समझा, यही पर पूरी दुनिया की हुई है, एकरा पर समझ में आ रहा, और अगर ऐसे नहीं पता चले तो ऐसे भी चार्ज बैलेंस करना है, क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है ना, वो कल आदमी एक को चार्ज नहीं जीरो चार्ज, और उन्हें दो को प्लस था तो दो को माइनस देंगे तो उन्हें जीरो होगा, अरे हाँ या नहीं, तो अगर मतलब है 100% इलेक्ट्रॉन इधर ही होगा, बोलो बताओ जी, प्रिंस कुमार शुक्र आ यार, तुमको समझ रहा है, रतिया कहाँ बीते हैं, हम बता रहे हैं सीरियसली, तो सूत रहा है, बता दू, ये जिंक है, ये क्या है, जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अभी जीरो, जीरो से कहाँ चल गया, बोलते जाना, ही समझ समझ रहा है, बढ़ा की घटा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अरे बोलो आ जाने, अब आ गए ना, बतियाने कर ले पढ़ती होते बुझे तो है, अरे हाँ यानी, यहाँ आ जाओ, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला, येरा में जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन मा एकरा से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि लग गया यहाँ जुड़ल है, तो इलेक्ट्रॉन एन से अन्य जाए लगेगा, देखते जाना, अरे बोलो जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पेपर के तरफ, कहाँ जा रहा है, पेपर के तरफ, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ गया नीचे, नीचे आ गया, अरे आया नहीं, उन्हें से इलेक्ट्रॉन जो निकला, असल इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, ये जो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, बोलो हाँ या नहीं, कितना नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आसान है कि नहीं, हाँ हाँ जी, नहीं समझे, ये बताइए कुछ बोलो ना, कुछ ये रिएक्शन नहीं है, हाँ तो ऑक्सीडेशन में ऐसे ही होता है, अगर किसी में डाल हो ना बिलियन में तो वो फूट करके अंदर चले जाता है, ऐसा होता है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही लिख सकते हैं, बिल्कुल आप जो कहा वो मैं मान ले, यहाँ जिंक के बगल में टू प्लस है तो जिंक सल्फेट, क्योंकि अंदर में सल्फेट है तो जुड़ जाएगा, आप क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, अरे आया नहीं,
हाँ इसको लिख सकते हैं आप जिंक सल्फेट को, दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि मैं जहां यहाँ प्लस है तो बिलियन में सल्फेट माइनस में है, यहाँ बचल की नहीं, तो बिलियन प्लस जैसे ही होगा तो सल्फेट जाके जुड़ सकता, क्यों नहीं जुड़ेगा, लेकिन मैं अभी वो प्लस वो माइनस वाला भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। आप लिख सकते थे कि यह जो जिंक है, ये जो जिंक है बच्चा, ये कहां बदल गया, जिंक सल्फेट में और प्लस में तो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर, क्योंकि यह बच्चा जैसे ही ये लवण है, लवण का मतलब है कि जिंक 2 प्लस अलगे भी रहेगा और सल्फेट 2 माइनस भी अलगे रहेगा, क्योंकि लवण है, बोलो जी, लवण है तो वो पानी में 100% टूट जाता है, 100%। यहाँ भी बच्चा आपने जो कहा मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, आप सोचिए, देखिए बहुत अच्छा बात है, आप सोचोगे तब ना मैं बताऊंगा, ये कॉपर ये भी टूटा हुआ रहता है अंदर में, हाँ या नहीं, अंदर में मैं बाद में बताता, ये कॉपर टूटा हुआ रहता है, आवाज आ रही है कि नहीं, अरे बोल रहे हैं, अब की होगा, एरा में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब बताओ एकरा अंदर में कॉपर टूटल है कि नहीं, क्यों कलर, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, एरा ही आ रहा तो ग्रहण नहीं करेगा, तो यह जो कॉपर 2 प्लस है, ध्यान से सुनना, कॉपर 2 प्लस है, ये इलेक्ट्रॉनवा को लेगा, तो 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ये कौची में था बच्चा, पानिया में तो एक कोश लिख दे, तेरा गर्द नहीं होगा, हसो नहीं, हसो नहीं, एक्वस एक्वस कॉपर यहाँ डाला है पनिया में, अरे बच्चा कॉपर यहाँ पनिया में डाला है तो कॉपर 2 प्लस को एक्वस नहीं लिख सकते, एक्वस से कॉपर सल्फेट में है जी, अरे कॉपर 2 प्लस का मतलब है ना बच्चा, ये कॉपर सल्फेट, हम सल्फेट नहीं लिख रहे हैं यहाँ, अरे बोला, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कई इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ बदल जाएगा, 0, अरे बकवास है, 2 प्लस और 2 माइनस होकर के 0 नहीं होगा यार, सिंपल सा बात नहीं समझ में आ रही है इसको, तो क्या हो जाएगा कॉपर 0 इस सॉलिड में, बोलो आया नहीं, हाँ नहीं, हाँ कैसे ठोस में बदलेगा, सुनो इधर जाओ, ये नीचे में इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला कॉपर 2 प्लस, अरे ये वाला माइनस में, अरे वाला प्लस में, तो आकर्षित होगा, आकर्षित होकर के एकरा पर जाकर के जमा होगा, क्योंकि अंदर में ढेर सारा कॉपर 2 प्लस है, एक के को थोड़े खरबों में होगा, एक आग खरब कॉपर 2 प्लस है, सब जाकर के कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पर, अरे बोलो जी, तो सॉलिड ही बन गया, अरे बोला, यस सर, अंदर में कॉपर एक्वस में था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो जाकर के जुड़ गया, अब बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, एकदम लोल है, लोल है एकदम, क्योंकि तुमको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, ये कहा हुआ बच्चा प्लस 2, प्लस 2 से कहा चल गया, घटा की बड़ा, घटा की बड़ा, तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन, क्या कहेंगे, अरे बोलना यार, अरे बोलना यार, नहीं बोलेगा, जब बोलेगा तो देखो, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन और एकर हुआ रिडक्शन, समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई तो गई, आया नहीं, अरे आई कि नहीं, इतना समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, अरे खत्म कर दो वो एजे पर ना, देख कर ध्यान से सुनो बच्चा, अरे रुको ना जी, सुनो ना, अभी हम बताएंगे ना, अब बच्चा ध्यान से सुनो, ये वाला एरा में ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छा बताओ ये दोनों रिएक्शन में मिल, दोनों रिएक्शन में होगा तब न करेंट फ्लो होगा, मतलब ये वाला जो अकेले है ये आधा रिएक्शन है, और ये आधा रिएक्शन एने हो रहा है, जब दोनों के जोड़ेंगे तब क्या होगा, फुल रिएक्शन, नहीं समझा,
अरे अभी रिएक्शन नहीं हुआ है बच्चा यार। अच्छा बैटरी किसको बोलोगे, दोनों को मिला दोगे तब ना बोलोगे? अरे हाँ या नहीं? तो रिएक्शन में तो दोनों होना चाहिए। तो इनमें जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखते ना जाए हम कहां पहुंचा देंगे आपको। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हिंदी में बोल देंगे बच्चा अभिकरण अर्ध रिएक्शन अभिक्रिया। अभिकरण अर्ध अभिक्रिया। और इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और जाना हो? अरे सुन रहा है तुम लोग, सुनते आया है दरिया के लगे ना, समझ रहा है कि नहीं? तुम मेरे को पारा गरम मत करो, पारा मेरा चढ़ाओ मत, मजाक लग रहा है कि माता जी के दलान है। देख लो इधर, तो समझ में आया? मैं ये ध्यान देखो, ये इसको पागल आदमी को लिख रही हो, और ध्यान से सुनो। अभी कहां खत्म कहां हो गए? यहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां की ओर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एने से एने जा रहा है तो करंट एने से एने जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का उल्टा होता है। तो मतलब है इलेक्ट्रॉन एने आ रहा है तो करंट एने की ओर जाएगा। बोलो हाँ, करंट किधर की ओर? इधर की। ध्यान से सुनो, और जमने से करंटवा निकलता है। अच्छा बताओ बच्चा, जज्जा से करंटवा निकलता है उस टर्मिनल का क्या नाम है? अरे पॉजिटिव यार, तो पॉजिटिव कहते हैं। जहां से करंटवा निकलता है उसे पॉजिटिव कैसे बोलेंगे बच्चा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड लिख दियो ऊपर में, देखो तो वीडियो में दिख रहा है, लिख रहे हैं जो तो सुन लेना, जितना नहीं दिख रहा है मैं ऊपर में इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, देखने वाला सुन लो, जो नहीं दिख रहा है मैं ऊपर में इलेक्ट्रॉन लिख दिया हूँ, देखने वाला कह रहे हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये वाला निगेटिव इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रॉन। अरे यस यार, मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव निगेटिव पहुंचा देंगे, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस। दो गो बैटरियों में दो गो होता है ना, वो प्लस है वो माइनस बना दिली होती है। और जो वाला होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसे कहते हाई पोटेंशियल। क्या कहते हैं? मतलब इसका होगा उच्च विभव। क्या होगा बच्चा? क्या होगा? और इसको बोलेंगे निम्न विभव, लो पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चा? लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, निम्न विभव। क्या कहते हैं? निम्न विभव। और बोलते जाने यार, उसे कहेंगे निम्न विभव। इतना समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? नहीं आया तो समझ लेना। और एक बात ध्यान से सुनो, इस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ बच्चा? ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड का क्या हुआ? इसीलिए एकरा एगो आम नाम है, एकरे कहा ही है। अगर जकरा पर ऑक्सीडेशन होता है
उसका नाम है बच्चा एनोड। क्या नाम? एनोड। क्या नाम है? एनोड। आउ वाला हो जाएगा तो समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं कैथोड। सर लगाओ तो पूरे भरिए देखो कि एक को जगह एक को लाइन खाली नहीं रहेगा। कदम कर अभी देख तो लो क्या कहेंगे इसे एनोड। उसे क्या कहेंगे? कैथोड। अरे अरे बोलो। अच्छा ये जो बैटरी बना दोनों के मिला के बना कि अकेले एकरे से खाली बना? दोनों मिलेगा तब ना बैटरी बनेगा। तो कहने वाला को कहेंगे आधा सेल आने वाला भी आधा सेल। सर बोल ना यार। इधर वाला भी हाफ सेल कहलाएगा और इधर वाला भी हाफ सेल। दोनों मिल जाएगा तब फुल सेल। सर बोल ना यार। तो इस वाला ही जो कंटेनर है इस पूरे को कहते हैं बच्चा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हमको लगता है आप समझ गए। ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था क्योंकि ये रिएक्शन है। ये वाला सेल है तो ये आधा सेल कहलाएगा। वो आधा सेल इसका नाम होगा रिडक्शन हाफ सेल। बोलो यस योर। क्या कर लेंगे बच्चा? दिख रहा है वीडियो में रिडक्शन हाफ सेल। कह लोग लिख रहे हैं एकदम नहीं सुन रही है। हम शराब दे देंगे फिर शादी भी आमिर नहीं होगा। ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल। हम नो भेदभाव लड़का रहे चाहे लड़की सबके वतनी शराब देते हैं। नो भेदभाव वो भेदभाव नहीं करते हैं। अर्ध सेल बोलो। हाँ यानी ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और वो वाला हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। बोल लिया बोल लिया। और तो ऐसा कर भाई आधा रिएक्शन ये वाला आधा रिएक्शन दोनों को जोड़ दें। अरे जोड़ दें तो पूरा रिएक्शन हो जाएगा। तो जोड़ दियो तो कैसे जोड़ हो बच्चा? LHS को LHS से और RHS को बोलना यार। तो आइए इधर लिख देते हैं नीचे बच्चा ओवर ऑल रिएक्शन। क्या लिख दें? ओवर ऑल रिएक्शन। क्या लिख दें बच्चा? बताइए कौन है बच्चा? जिंक सॉलिड। इधर में क्या है बच्चा? जिंक सॉलिड। और LHS में कॉपर टू प्लस एक्वस और प्लस में दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वीडियो वाला आदमी। इधर देखो फिर इधर देखो जी। राइट साइड एक राइट साइड में क्या है बच्चा? जिंक टू प्लस एक्वस और प्लस में दो इलेक्ट्रॉन और प्लस इधर क्या है कर में कॉपर सॉलिड। कॉपर क्या है बच्चा? खत्म हो गए दो इलेक्ट्रॉन से। दो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए नहीं समझा। तो ओवरऑल रिएक्शन ये वाला है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू प्लस एक्वस प्लस जिंक टू प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। अरे बोलो आप कॉपर टू प्लस के जगह पर कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं जिंक टू प्लस के जगह पर जिंक सल्फेट लिख सकते हैं। बोलो हाँ बोलना। अब देखो अपने आप पता चल रहा है जिंक जीरो से कहाँ गया? दू में। जीरो से दू गया तो क्या बना? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ जी? अब कॉपर टू प्लस से कहाँ गया? जीरो में। टू प्लस से जीरो में घट गया ने तो क्या हो गया बच्चा? रिडक्शन। एक मतलब है यहाँ पर कॉपर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का। अरे बोलो एकर मतलब है कि ये वाला ध्यान से सुनो ये वाला जिंक जितना देरी टूटते रहेगा करंट उतना देरी देते रहेगा। अरे बोलो अगर यहाँ टूटना बंद हो जाएगा तो करंट जाना बोल फिर चार्ज करेंगे। क्या करेंगे?
तो चार्जिंग वाला बैटरिया के नाम है विद्युत अपघटनी, दूसरा हो जाएगा, फिर सब चीज रिवर्स हो जाएगा। एक मतलब है कि यहाँ एनोड एक क्वेश्चन जाना कैसे पूछा है, ये देखो एक कम से कम 20 को ऑब्जेक्टिव क्लियर से फिगर वाइज क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा बताइयो। देखो पूछेगा ऑब्जेक्टिव नंबर वन, कहेगा गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, चार गो ऑप्शन दे देगा तो मार दोगे जी, केकरा पर ऑक्सीडेशन, निम्नलिखित में से केकरा पर रिडक्शन होगा तो बोल हाँ। अगला अच्छे दो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, तो जिंक वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड और कॉपर वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, चार गो हो गए। दूसरा दो गो जाओ, गैल्वेनिक सेल में निम्नलिखित में से किसे एनोड कहा जाता है, तो एनोड कहा जाएगा जिंक को और कैथोड कहा जाएगा कॉपर, ऐसे पूछता निम्नलिखित में से निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, गैल्वेनिक सेल में निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, ये देखो ना वैसे नहीं देखो ऑप्शन देखो, कैथोड एनोड दोनों कोई नहीं, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होगा, ये सबसे मजेदार हर साल पूछे वाला फेवरेट है, ये वाला फेवरेट है। गैल्वेनिक सेल में एनोड हो जाता है निगेटिव और कैथोड हो जाता है, लेकिन ये जब बैटरिया बदल देंगे ना, ये तो कौन बैटरी गैल्वेनिक सेल है, जो दूसरा बैटरिया पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी वाला ही बदल जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा, इसीलिए पूछता है कि विद्युत पगला जाता है, जब दोनों पढ़ लेता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। यस योर नो, ये रहा बैटरी का पूरा इतिहास, बोल हाँ या नहीं, अब जैसे तोरा मन है को बढ़िया से लिख ले, और जैसे अगर काट कूट करके लिखेगी तो तू समझना ठीक है कि नहीं, छाप कोई बात तो इसमें कोई बात जरूर दिक्कत है तो बता, पूरा और बताते हैं कोई तकलीफ कहीं कहाँ बच्चा, अवकरण और अभिक्रिया, हाँ अवकरण अर्थ से, अवकरण अर्थ से, और बाकी सब ठीक की हुआ तो तकलीफ कनक है कहा केसीएल, अगर बताइए एक बढ़िया से नीचे सरकार ले क्या करूं साठ बुलेट है बुलेट बताए वही काम, ये जब तक कनेक्शन पूरा नहीं बनता है क्लोज सर्किट नहीं बनेगा तो कैसे बॉल जलेगा, एक सर्किट पूरा करता है बच्चा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा फिर यहाँ से आयन मूव करके एनए आएगा, समझ नहीं जल, अगर ये हटा दो ना तो नहीं जलेगा बॉल, क्लोज सर्किट बनवे नहीं करेगा, तो लो जला देते ले जल गया आगे वाला देख रहे हो ना, बढ़िया से नहीं लिखो ऐसे गंदा वाला सादा रहते तो अच्छा से लिखाता कि नहीं, वर्किंग और गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि कैसे काम करता है, दो चार पांच गो बिंदु जो लिखा लो बच्चा, बस इसके बारे में खाली लिखा देते हैं, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, पहला बिंदु लिखे मैं बोलूं आप लोग लिख लीजिएगा, लिखा पहला लिखे गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल
कार्बनिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल विच इज कौन होता जो होता है अच्छा ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल विच इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल हिंदी लिख लीजिए लेकिन गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों का संयोजन होता है गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों का संयोजन होता है गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों का संयोजन होता है जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल एवं अभिकरण अर्ध सेल होता है जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल एवं अभिकरण अर्ध सेल होता है जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल एवं अभिकरण अर्ध सेल होता है अगला बिंदु लिख ऑक्सीकरण अर्ध सेल एवं अभिकरण अर्ध सेल होता है अभिकरण अर्ध सेल होता है अच्छा बताओ बच्चा ऑक्सीकरण हाफ सेल में किसका इलेक्ट्रोड जिंक का और अवकरण हाफ सेल में कॉपर का एकदम मात्रा में फिट कर लेना किसका ऑक्सीडेशन जिंक का किसका रिडक्शन कॉपर का तो लिख दो इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगला बिंदु लिख दो बच्चा इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक रॉड इज ऑक्सीडाइज या जिंक रॉड ऑक्सीडाइजेड लिख दो बच्चा इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक रॉड ऑक्सीडाइजेड एंड इन रिडक्शन हाफ सेल देखो ऑनलाइन वाला दिख रहा है इन रिडक्शन हाफ सेल कॉपर रॉड इलेक्ट्रोड लिख दे लो बच्चा ठीक है तो इलेक्ट्रोड भी लिख सको ब्रैकेट वाले है ना कॉपर कैसा ठीक है ना मैं कुछ कह रहा हूँ लिख दिया तो गाली गलत कर रहा हूँ तो इन रिडक्शन हाफ सेल कॉपर इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग अच्छा बात है कि नहीं हिंदी लिख लो लेकिन ऑक्सीकरण अर्ध सेल में जिंक क्षार ऑक्सीकृत होता है जिंक क्षार ऑक्सीकृत होता है एवं अवकरण अर्ध सेल में कॉपर अवकृत होता है कॉपर अवकृत होता है कॉपर अवकृत होता यस योर नो कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं होता है इलेक्ट्रोड नहीं सोलह टू प्लस में जीरो में जाता है
कहना गलत बात नहीं है। हाँ कॉपर टू प्लस रिड्यूसेज, कॉपर टू प्लस रिड्यूस। अगला बिंदु, तीसरा बिंदु है कॉपर टू प्लस के कॉपर टू प्लस होकर हिंदी का होगा अंकृत होता है, अंकृत होता है। देखिए अगला, इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आर जनरेटेड इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड टर्मिनेटेड इन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। एंड हेंस करेंट फ्लो फ्रॉम रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगला बिंदु लिखिए, इलेक्ट्रॉन हिंदी लिखिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अर्थ सेल में उत्पन्न होता है, पांच सेल में उत्पन्न होता है ना, ऑक्सीकरण अर्ध सेल में, वही बच्चे खाली लिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अर्ध सेल में उत्पन्न होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल में उत्पन्न होता है एवं अवकरण अर्ध सेल में खत्म होता, समाप्त होता या जाता है। लिख दो, अवकरण अर्ध सेल में जाता, समस्या क्लियर हो गया। और अतः विद्युत धारा अवकरण अर्ध सेल से ऑक्सीकरण अर्ध सेल में जाता है। अवकरण अर्ध सेल से ऑक्सीकरण अर्ध सेल, हाँ जी, ऑक्सीकरण अर्ध सेल की ओर जाता है, की ओर जाता है। ठीक है जी, छोड़ देंगे, दो तीन पॉइंट आ गए। चौथा बिंदु, अब हम आधा घंटा चलो आगे। लेकिन ऑक्सीडेशन अकर्स इन लेफ्ट सेल
and reduction occurs in acha jo samosa khila de yes right cell samosa khila de yes ek shikaran acha baaya cell ek baat nahi likhali ho dhyan dena bachcha baaya matlab baaya wala pehla matlab baaya wala to likh lo bachcha left cell aao ukra mein likh le bachcha to ki question left to right se puchta hai kera likh करवा जहाँ बनाए ने जो बाया साइड है उसको लिख लो लेफ्ट से लागो दाहिना साइड है वाला लिख दो राइट से जो कि पूछेगा लेफ्ट राइट करके लेफ्ट राइट करके भी पूछता है अरे बाया साइड वाला लेफ्ट लिखो ना सेल के तरफ पर अरे यदि अलग अलग कलर में से लिख होता ना पता चले दुनिया कलर ऐसा कलर अगला हिंदी जल्दी की हो रहा है जल्दी कहाँ जाएगा ऑक्सीकरण लिखा ऑक्सीकरण बाएं सेल में होता है ऑक्सीकरण बाएं सेल में बाया तरफ वाला में होता है ना ऑक्सीकरण सेल में देखो ना जाके बनावट में यस सर जानते हो ने ऑक्सीकरण बाएं सेल में होता है एवं एवं अवकरण एवं अवकरण अवकरण दाएं सेल में होता है दाएं सेल में अरे समोसा खिलाएंगे लालच नहीं है लेफ्ट सेल जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड इन राइट सेल कॉपर इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ने ये सब जो बच्चा कह रहे हो तो लिखा रहे हैं कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम इन राइट सेल कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट लिखिए बाएं सेल में जिंक इलेक्ट्रोड बाएं सेल निकलते सेल ना होते हो सेल निकल दो ऐसे सेल होता है बाएं सेल में जिंक सल्फेट में डूबा होता है एवं दाहिने सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डूबा होता है चलो ठीक है आवाज कर लेते हैं दाएं सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डूबा होता है
जरा खाए के मने रुको जाओ लेके आओ लेके रुकेगा तो जब नहीं ले वो ना ले लेगा रुको तो लेके आ गए तब ने भाग रहा तो कैसे होगा आधा दुनिया को देख के देख आया था आई सब्जी का भी हवा कर हम तो पढ़े लेंगे अपने तो खा गए।